हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुकुमा कटारा। तो आप सब कैसे हैं? सो आज मैं जा रही हूँ हल्दी की फंक्शन पर। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि आप हल्दी पे कैसे अपना आई मेकअप करेंगे या फिर आप कैसे ऐसा अलग सा यूनिक सा लुक क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई, यहाँ पर मैं अपना फटमे का जो है कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि जितने भी जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी डिस्क्रिप्शन पे उनका जो है लिख के बता दूंगी आपको मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस कंसीलर को अच्छे से जो है स्पंज की हेल्प से हम ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो है न्यूड पैलेट में से ब्राउन कलर का यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करूँगी और इनर कॉर्नर तक इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसको जो है हम पूरी आईज़ पर जो है इस कलर को मैं अप्लाई करूँगी और इसको जितना हो सके अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आई मेकअप उतना ही अच्छा लगता है, जो कि मैं हर वीडियो में आप सभी को बताती हूँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और जब भी आप आई शेडो लगाएँ तो हमेशा सबसे पहले लाइट शेड लगाएं, उसके बाद डार्कर शेड लगाएं और आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इनर कॉर्नर तक जाएं। इससे जो है आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। अगर इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ जाएंगे तो ब्लेंडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद मैं यहाँ ग्लैम अप 51 के पैलेट से जो है ब्लू शेड ले रही हूँ। ये जो ब्लू शेड है वो पिकोक कलर है, लाइक पिकोक की जो नेक का कलर होता है वो वाला ये कलर है, क्योंकि मेरी ड्रेस से मैचिंग है ये। तो इस कलर से मैं अपनी पूरी आईज़ को जो है धीरे धीरे से फिल करूँगी, आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इनर कॉर्नर तक जाऊँगी। तो इस तरीके से आप अपने आईज़ को अच्छे से जो है ब्लू कलर से फिल कर लीजिए और ब्लेंड ज़रूर करना, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ मस्ट। तो आप इसको राउंड राउंड शेप जैसे सर्कल में भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, और जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे आई मेकअप उतना ही अच्छे से जो है आपका उभर कर आएगा। दोबारा से देखिए, मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक जो है अपनी आई मेकअप को लेकर जा रही हूँ, आई शेडो को जो है फैला रही हूँ। उसके बाद जो है आप अच्छे से इसको अप्लाई कर लीजिए। जब आपका आई मेकअप अच्छे से कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है आप अपनी आईज़ को अच्छे से चेक करें कि कहीं पे कम ज़्यादा तो नहीं है मेकअप। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद काजल लगाऊंगी, यानी शेड्स मेरे लग चुके हैं। अब मैं यहाँ ब्लू काजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका जो है कहाँ का काजल है, कैसे मैंने क्या है, जो भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा काजल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो सेम ब्रश मैंने आई ब्लू ब्रश की हेल्प से जो है उससे नीचे स्मच कर दूंगी, यानी अपने जो हमारा काजल है उसको हल्का हल्का स्मच कर देंगे ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए, क्योंकि उस पर पाउडर लगा हुआ है, यानी आई शेडो लगा हुआ है इस वजह से। तो उसके बाद जो है यहाँ मैं अपना लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर भी मैंने ज़्यादा मोटा नहीं लगाया है, पतला पतला लाइनर लगाना है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जिसको जैसा पसंद है वैसा लगाइए। बाकी मैं सिंपल लाइनर लगा रही हूँ।
सो लाइनर फिनिश होने के बाद मैं यहाँ अपना मेबेलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा है। इससे लैशेस बड़ी अच्छी होती हैं, यानी आपकी जो लैशेस हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मतलब कई बार तो होता है कि लैशेस लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इतना अच्छा मस्कारा है। आपकी लैशेस इतनी बिग हो जाती हैं तो वो बहुत अच्छा लुक देती हैं। उसके बाद जो है मैं अपना लॉरियल का ब्रश ले रही हूँ, ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रश है, बेबी पिंक। इसमें हल्का हल्का शिमर है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद लास्ट सेटिंग स्प्रे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना कि आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।